दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पर तो देख ही पा रहे होंगे कि आज का हमारा वीडियो टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक सिंपल सा है कि भाई AEPS से ज़्यादा फ्रॉड होते हैं या फिर UPI से। अब यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि भाई UPI तो हम जानते हैं, सिंपली गूगल पे, पेटीएम या फिर GPay का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर UPI द्वारा ही तो उसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक जो दूसरा ऑप्शन है AEPS, वो क्या है? तो यहाँ पर मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जितनी भी दुकानदार वगैरह होते हैं, छोटी मोटी दुकानदार, किराना शॉप या फिर ऑनलाइन शॉप वाले, वो लोग किसी बैंक या फिर किसी भी फिनटेक कंपनी के थ्रू अपनी एक AEPS की ID बनवाते हैं और आधार कार्ड के थ्रू लोगों की पैसे निकासी का काम करते हैं, जिसमें वो मैक्सिमम एक व्यक्ति का 10,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी बैंक से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे बोला जाता है AEPS। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन हो रहा है वो फ्रॉडियों के लिए हो रहा है, मतलब कि फ्रॉड करने वालों के लिए UPI में और AEPS में। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो लोग आम लोगों के फिंगरप्रिंट का एक क्लोन बना ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि नकली फिंगरप्रिंट बना के यहाँ पर AEPS के माध्यम से पैसे की निकासी करते हैं, और जब लोगों को पता चलता है कि भाई ये ट्रांजेक्शन तो हमने किया ही नहीं, AEPS से पैसा तो हमने निकाले नहीं, तो हमारा पैसा गया कहाँ, तो यहाँ पर आम जनता का नुकसान होता है। उसी तरीके से UPI का भी गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। किसी का भी अगर मोबाइल वगैरह चोरी हो जाता है तो उस मोबाइल से तुरंत UPI एक्टिवेट करके उसके बैंक का पूरा बैलेंस झंड कर देते हैं। और यहाँ पर और भी UPI से रिलेटेड कई ऐसे फ्रॉड होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर कंपटीशन यही है, सवाल भी यही है कि यहाँ पर UPI या फिर AEPS किससे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, AEPS से फ्रॉड होते हैं, UPI से फ्रॉड होते हैं, इन दोनों ही चीजों को हर कोई एक्सेप्ट करता है। भाई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, किसी ना किसी तरह का तो फ्रॉड होगा ही, और फ्रॉडियों के लिए तो ये भाई सोना चांदी होते हैं, कस्टमर की किसी ना किसी वीकनेस को पकड़ के भाई उसे लूटने का मकसद ही होता है फ्रॉडियों का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NPCI ने AEPS के फ्रॉड को रोकने के लिए तो काफी बड़े बड़े नए नए कदम उठाए हैं, लेकिन UPI के फ्रॉड को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। उल्टे UPI में तो और यहाँ पर ढील दिए जा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो NPCI है, NPCI नेशनल कॉर्पोरेट पेमेंट सिस्टम, यहाँ पर इसी के अंतर्गत AEPS और UPI दोनों ही आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं NPCI का उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि NPCI ने AEPS से फ्रॉड रोकने के लिए तो काफी बड़े बड़े यहाँ पर कदम उठाए, लेकिन UPI से फ्रॉड रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है, जिस चीज का फायदा अभी भी स्कैमर्स उठा रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि AEPS को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन बंद कर दिया जनवरी की शुरुआत में ही, फिर इसके बाद जिसके भी नाम पर पोर्टल है AEPS पोर्टल, उसका दिन में एक बार वेरिफिकेशन, थंब वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया। उसके बाद एक और नया नियम निकाला जिसमें अगर आप किसी भी कस्टमर का पैसा विड्रॉल करने जाते तो हर विड्रॉल पर आपको एक अपना थंब वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद कस्टमर का करना होगा। अगर आपका फेल्ड हो जाता है तो दोबारा करिए, अगर आपका दोबारा फेल्ड हो जाता है तो 24 घंटे के लिए आपकी ID ही ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि जो दुकानदार है उसका धंधा चौपट। तो NPCI यहीं पर नहीं रुका, और NPCI का कहना है कि अगर कस्टमर के बार बार फिंगरप्रिंट मिसमैच होते हैं तब भी नुकसान दुकानदार को ही होगा, दुकानदार की ID सस्पेंड होगी, और अगर खुद का भी फिंगरप्रिंट मिसमैच होता है तब भी दुकानदार की ID सस्पेंड होगी, और अगर कोई भी ग्राहक पैसे निकाले बाद बैंक में बोल आता है कि भाई हमारा हमने पैसे नहीं निकाले हैं, कहां से निकल गए, तो यहां पर तब भी आपकी ID ब्लॉक होगी। ID ब्लॉक होगी तो होगी, यहां जो भी आपके फिनटेक पोर्टल में पैसा पड़ा हुआ है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। तो अब आप लोग खुद सोचिए। और तो और इसके बाद यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक जैसे बैंक, कई ऐसे बैंक है जो कि यहाँ पर AEPS से पैसे निकालने ही नहीं देते हैं कस्टमर्स को। मतलब कि अगर आप कस्टमर्स का इन बैंकों का पैसा निकालने जाओगे तो निकलेगा ही नहीं, और तो और बैंक ऑफ बड़ौदा तो आपकी डिवाइस ही ब्लॉक कर देगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर AEPS पर तो इतना तगड़ा यहाँ पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब कि देख रेख लगा दी है कि अब तो बहुत ही मुश्किल है भाई AEPS से पैसा निकालना। 10 बार रखो निकल आए तो आपकी किस्मत, नहीं निकले तो भाई तो भी आपकी किस्मत। तो यहाँ पर AEPS का तो धंधा खत्म
कर दिया है मार्केट में पूरे दुकानदारों का NPCI वालों ने। और यहाँ पर अब बात की जाए UPI की, तो UPI का मैं आपको बता दूं, देखिए UPI की पहले लिमिट हुआ करती थी 1 लाख, अब उसी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। और UPI से तो आपके साथ भी कभी ना कभी फ्रॉड हुआ ही होगा, आपके नहीं तो आपके परिवार में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ फ्रॉड हुआ ही होगा। और आपको दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, UPI किसी भी रूपी क्रेडिट कार्ड या फिर किसी थर्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप UPI पेमेंट्स कर सकते हो। UPI के थ्रू आपको लोन भी मिलने लगा है, तो मतलब कि अगर किसी स्कैमर्स के हाथ में आपका मोबाइल लग जाए तो वो अगर आपके खाते में पैसा भी नहीं होगा ना तो वो लोन ले लेगा, लोन लेकर आपको लूट देगा, आपका सिविल खराब कर देगा। तो यहाँ पर UPI से टोटली देखा जाए तो इतने स्कैम हो रहे हैं, लाखों के पर डे लाखों के स्कैम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार और NPCI तो भाई APS के पीछे ही पड़ा कि नहीं APS से फ्रॉड हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों UPI का एक और नया फंडा मैं आपको बता दूं, UPI से मान लीजिए आप एक दुकानदार हो, आपको किसी ने पैसा भेजा UPI की मदद से, ठीक है ना, और वो ग्राहक आपकी दुकान से सामान लेकर चला गया। इसके बाद ग्राहक ने अगर NPCI की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन कर दी कि ये पेमेंट मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पर ग्राहक का वो पैसा उसे रिफंड कर दिया जाएगा मर्चेंट के अकाउंट से काट कर। मतलब कि अब यहाँ पर भी दुकानदार को ही नुकसान सहना पड़ेगा। तो आप लोग खुद बताइए कि NPCI और सरकार को, तो अब यहाँ पर आप लोग खुद बताइए कि NPCI और सरकार APS के ऊपर प्रतिबंध लगाकर गलत कर रही है या फिर UPI के ऊपर। तो आपकी राय क्या है इस बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।